नॉर्मल फील कर रहा हूँ यार। उसका कॉल सुन के यार मेरे को बहुत अजीब लगा, वो बहुत दुखी था, अच्छा नहीं लगता यार मेरे को जब कोई ऐसा रोता है दाग की वजह से। एक लड़के का मुझे फोन आया था कि भैया मैं सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब दाग से बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे नहीं जीना है क्योंकि मैं पूरा हिम्मत हार चुका हूँ। क्या यार हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पे लोग एक्सेप्टेंस नाम की चीज़ नहीं है क्या यार? देख रहे हो आप उसको सफ़ेद दाग हुआ है, क्या आप उसको कंफर्टेबल फील नहीं करा सकते? हाँ आप उसको दाग देख रहे हो, आपको जाके पूछ रहे हो क्या हो गया है? अरे भाई आपको दिख रहा है उसको दाग हुआ है, उनको नॉर्मल फील कराने दो ना यार। ठीक है हुआ है तो हुआ है, अब क्या करोगे आप इतने सारे सवाल करोगे? अब वो लड़का है, ही इज वेरी यंग, जस्ट अभी उसका कॉल आया था, इफ पॉसिबल मैं उसके ऑडियो भी ऐड कर रहा हूँ आगे। भैया वही समस्या है। क्या हो गया? वेटिलिगो की समस्या है भैया, आपका वो वीडियो देख रहे हैं हम 2-3 दिन से। अच्छा, और भैया बहुत परेशान है, सोच रहे हैं सुसाइड कर सकती है। पागल हो क्या? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मेरे भाई जैसे हो, रो लो पहले, रो लो, अच्छे से रो लो। मैं बहुत रो चुका हूँ, मैं पिछले 15 दिन रात रो रहा हूँ। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में? भैया हमको आप अपने पास बुला लीजिए, आप कोई भी काम दे दोगे हम कर लेंगे। भैया पहले तो रिलैक्स हो जाओ। भैया बहुत परेशान है, मेरी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तुम रो क्यों रहे हो पहले ये बताओ मुझे। भैया मेरी माँ बहुत परेशान है, हम समझ नहीं पा रहे, मैं ऐसे थे नहीं, लेकिन भैया 6-7 महीने हो गए बहुत। कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ, कैसे चलेगा यार ये सारी चीजें? हमें सोसाइटी को थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ेगा, हम सारे लोग एक बार थोड़ा सा उठेंगे तब जाके चीजें नॉर्मल होगी, अदरवाइज ना समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हम जब काले गोरू में ही भेद देखना शुरू कर देंगे, दाग पे भेद देखना शुरू देंगे, मतलब यार क्या एजुकेशन लिया हमने? हमारे शिक्षा प्रणाली में हमें सारी चीजें शिक्षा सिखाई गई है कि पैसा ऐसे कमाना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, बट हमें ये शिक्षा नहीं दी गई है कि लोगों को कंफर्टेबल कैसे कराना है। हमें ये शिक्षा नहीं दी जा रही है कि लोग कैसे भी हैं यार, कोई छोटा हाइट का होगा, कोई बड़ा हाइट का होगा, क्या फर्क पड़ता है यार, कैसे भी हाइट का होगा। ये एजुकेशन तो एक माता पिता का भी जिम्मेदारी बनता है, एक शिक्षक का भी जिम्मेदारी बनता है कि उस व्यक्ति को दे, नहीं दे रहे तो आज लोग परेशान हो रहे हैं। अभी जैसे उसका कॉल आया था, बोलता है कि भैया मैं गिव अप करना चाहता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, मैं पिछले 7-8 महीने से बाहर नहीं निकला हूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं भी नहीं निकला था, पर जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये सारी चीजें फालतू है, उस दिन से मैं निकलना शुरू किया। क्यों नहीं हम ऐसा चीज कर सकते हैं कि हम लोगों को कंफर्टेबल फील कराएं? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसी क्या चीजें आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो हम लोगों को नॉर्मल फील नहीं करने दे रहे हैं। हमें थोड़ा तो आगे आना पड़ेगा, और ये जितने भी लोगों को विटिलिगो हुआ है, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप जब तक दूसरे से उम्मीद लगा के रखोगे कि यार ये आएगा, ये मुझे समझाएगा, ये मुझे बताएगा, तब तक मेरे भाई समस्या वैसी बनी रहेगी। अगर लड़की को लग रहा है कि यार मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, यार ठीक है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा अच्छी बात है ना यार, इनिशियल स्टेज पे ही तो नहीं कर रहा है। हाँ शादी होने के बाद नहीं पसंद करेगा तो क्या करोगे? नॉर्मल फील कराओ यार। उसका कॉल सुन के यार मेरे को बहुत अजीब लगा, वो बहुत दुखी था, अच्छा नहीं लगता यार मेरे को जब कोई ऐसा रोता है दाग की वजह से। हम नॉर्मल फील करवा सकते हैं यार, कब तक हम यार, हमको क्या शिक्षा मिल रही है? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि यार हम जिनको भी अपने आसपास देखें, जिनको भी हम उनको कंफर्टेबल फील कराएं यार, कब हम कराएंगे? कोई भी कैसा भी हो सकता है यार, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को कि मैं किस तरीके से, आप जितने भी लोगों से मिलो, कैसा भी हो, नॉर्मल फील कराओ यार। एक हमारी 60-70 साल की उम्र है, उस 60-70 साल की उम्र में भी हम इतने सारे स्ट्रेस, अननेसेसरली स्ट्रेस यार दाग को लेके, क्यों यार ये क्या, क्यों रोक रहा है आपको?
आपको ये इसलिए रोक रहा है क्योंकि आप आगे जाना नहीं चाह रहे हो। उसका कॉल सुन के मतलब मुझे दुख हुआ इस बात का कि यार मैं शायद उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। सो मैं अब बोल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा बाहर निकलूंगा और मैं लोगों के पास जाऊँगा, अब मैं लोगों को समझाने की कोशिश कराऊंगा, मैं मेरा पूरा एफर्ट डालूंगा, बट आई नीड योर सपोर्ट। मुझे आप लोग की हेल्प की ज़रूरत है कि आप भी अपने लेवल पर मेहनत करो। अगर आप में से कोई भी है जो अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, आपके कंपनी में कहीं भी सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना चाहता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल दी हुई है, आप हमें कॉन्टेक्ट करो यार, सॉरी कॉन्टेक्ट करो। मैं ये वीडियो एडिट भी नहीं करने वाला हूँ, जैसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे डालने वाला हूँ। क्यों, एडिटिंग भी नहीं आती मेरे को और मैं इसलिए इसको एडिट नहीं करना चाहता हूँ, लोगों को पता चले यार व्हाट आई फील, लोग क्या फील कर रहे हैं। वीडियो लंबा है लंबा होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। बुरा लगता है मुझे जब देखता हूँ मैं यार, लोग परेशान होते हैं, करते हैं। यस आई एम 24/7 अवेलेबल, आप मुझे बिंदास फोन करो, मुझसे बिंदास बात करो, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी खड़ा हूँ। बट यार कब तक ऐसे चलेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा यार, उठो आगे बढ़ो। अगर आप में से कोई भी है जो अपने स्कूल्स या कॉलेज में सेमिनार करवाना चाहता है या कुछ भी कराना चाहता है विटिलिगो के रिगार्डिंग, मैं पूरा हमेशा रेडी हूँ। क्यों, बिकॉज आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ फॉर विटिलिगो अवेयरनेस स्पेसिफिकली। क्यों, मैंने फेस किया है और मैं नहीं चाहता कि और भी कोई फेस करे। अगर आप में कोई भी हो जो आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपको कोई बात करने वाला नहीं है, लोग आपको जज कर रहे हैं, मेरे भाई बिंदास मुझे फ़ोन कर लो, बिंदास मुझे DM कर लो, बिंदास मुझे व्हाट्सएप कर लो, हाँ बिंदास आना है अगर आपको मेरे से मिलना है तो मुझसे मिल भी लो, बट कभी गिव अप वाली बात मत करना यार कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ। थप्पड़ पड़ेगी एक, मुझसे मिल गया ना मैं थप्पड़ मारूंगा अगर कोई मुझे बोला मैं गिव अप करने वाला हूँ, मैं क्विट करने वाला हूँ, थप्पड़ भी कम हो जाएगा।